अक्सर इंग्लिश ग्रामर आने के बाद भी, इंग्लिश का नॉलेज होने के बाद भी हम कुछ बातों को इंग्लिश में बोल नहीं पाते, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं और यह हमारी जुबान पर झट से नहीं आती। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगी जिनका इस्तेमाल आप अपने बच्चों से इंग्लिश में बात करते वक्त कर सकते हैं। मेरा नाम है त्रिलेखा और आप देख रहे हैं लॉटलर्न। जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो आप उनसे पूछते हैं, आज स्कूल में क्या हुआ? अगर नहीं पूछती तो पूछना शुरू कर दीजिए। और इसे कैसे पूछेंगे? इसे कहेंगे, टेल मी अबाउट व्हाट हैपेंड इन अ क्लास टुडे। अब मान लीजिए बच्चों का झगड़ा हुआ है और आप पूछना चाहती हैं, तुमने उसे क्यों मारा? तो आप कहेंगे, व्हाई डिड यू हिट हर? और अगर आप पूछना चाहती हैं, क्या तुम्हें लगी? तो आप कहेंगी, आर यू हर्ट? आर यू हर्ट? कहाँ लगी? वेयर आर यू हर्ट? वेयर आर यू हर्ट? अब मान लीजिए उसने अपना लंच फिनिश नहीं किया है, तो आप पूछेंगी, व्हाई डिड नॉट यू फिनिश योर लंच? व्हाई डिड नॉट यू फिनिश योर लंच? इस सब की वजह से उसका मूड भी खराब हो सकता है, तो उसका मूड ठीक करने के लिए आप कहना चाहेंगी, चलो मैं टीवी ऑन कर देती हूँ। तब आप कहेंगी, लेट मी स्विच ऑन द टीवी फॉर यू। लेट मी स्विच ऑन द टीवी फॉर यू। ओके, अगर आपको ये सेंटेंसेस यूजफुल लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। प्लीज टेक फ्यू मोर बाइट्स एंड देन यू आर फ्री टू गो। थोड़ा और खा लो फिर आप खेलने जा सकते हो। प्लीज टेक फ्यू मोर बाइट्स एंड देन यू आर फ्री टू गो। कैन यू गेट योर पेंसिल कलर? वी वुड कलर दिस पिक्चर। क्या आप पेंसिल कलर लाओगे? हम इस पिक्चर को कलर करेंगे। कैन यू गेट योर पेंसिल कलर? वी वुड कलर दिस पिक्चर। यू स्पिल्ड मिल्क। आपने दूध गिरा दिया। यू स्पिल्ड मिल्क। कुड यू टाइडी अप योर रूम प्लीज? क्या आप अपना कमरा साफ कर देंगे? कुड यू टाइडी अप योर रूम प्लीज? If you make the bed, I will give you piggyback ride. If you make the bed, I will give you piggyback ride. अगर आप बिस्तर ठीक कर देंगे तो मैं आपको पीठ पर घुमाऊंगी। पिगीबैक राइड का मतलब होता है पीठ पर घुमाना। You beat him again. आपने उसे फिर मारा। You beat him again. Don't tear off the pages of your notebook. अपनी किताब के पन्ने मत फाड़ो। Don't tear off the pages of your notebook. लाओ मैं चोटी बना दूँ। Let me braid your hair. लाओ मैं चोटी बना दूँ। Let me braid your hair. How do you spell mango? जब आप बच्चों से स्पेलिंग पूछना चाहते हैं तो आप पूछेंगे, How do you spell mango? या कोई और वर्ड। Buckle up your belt. अपना बेल्ट लगा लो। Buckle up your belt. Get dressed, we are going to the park. तैयार हो जाओ, हम पार्क जा रहे हैं। Get dressed, we are going to the park. Do not let your younger brother play with stray dog. अपने छोटे भाई को गली के कुत्ते के साथ मत खेलने दो। Do not let your younger brother play with stray dog. Chase the dog away. कुत्ते को भगा दो। Chase the dog away. Be nice to your friends. अपने फ्रेंड्स से ठीक से व्यवहार करो। Be nice to your friends. अब मान लीजिए कोई चीज़ गिर जाती है, तब आप कहेंगे, Pick it up. उसे उठा लो। Pick it up. Don't pluck the flowers. फूल मत तोड़ो। Don't pluck the flowers. I hope आपको आज के सेंटेंसेस पसंद आए हैं। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।